नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने जहां आम आदमी पार्टी गदगद है, वहीं बीजेपी समर्थक थोड़े मायूस दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और बीजेपी दिल्ली में 48 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। मनोज तिवारी के इस दावे पर कई बीजेपी नेताओं ने अपनी मुहर भी लगा दी। तो क्या एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होने वाले हैं और बीजेपी दिल्ली में सत्ता का वनवास खत्म करते हुए सत्तासीन होने वाली है? क्योंकि एग्जिट पोल में बंपर जीत के बाद भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अभी भी सशंकित दिख रहे हैं और उन्होंने ईवीएम पर अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कल ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल ने अपने आवास पर आपके बड़े नेताओं के साथ बैठक भी की। इसलिए सवाल एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही है। वैसे पहला मौका नहीं है जब एग्जिट पोल के आंकड़ों को किसी राजनीतिक दल ने नकारा हो। हमेशा ही हारने वाले दल इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या हमेशा ही एग्जिट पोल सटीक साबित होते हैं? बिल्कुल नहीं। एग्जिट पोल का इतिहास राजनेताओं के इस भ्रम को कई बार तोड़ चुका है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी एग्जिट पोल ने कई बार अपने नेताओं को धोखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में तो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही मध्यवाम लेबर पार्टी और उसके नेता बिल शॉर्टन ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत में भी ऐसा कई बार हुआ। कब कब बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि एग्जिट पोल है क्या और कब इसकी शुरुआत हुई। दरअसल एग्जिट पोल में वोटर से वोट देकर निकलने के बाद पूछा जाता है कि उसने किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट किया। वोटर अपना जवाब गुप्त रूप से ही देता है। इसी आधार पर एग्जिट पोल तय होते हैं। अगर वोटर सही जानकारी ना दे तो एग्जिट पोल के फेल होने की आशंका रहती है। वैसे एग्जिट पोल में बूथ पर हर 10वें या 20वें वोटर से जानकारी ली जाती है, लेकिन कई बार कई एजेंसियां माहौल देखकर ये काम घर बैठे ही कर लेती है। ऐसे आरोप पहले लगते रहे हैं, इसलिए भी एग्जिट पोल फेल होने का अंदेशा ज्यादा होता है। एग्जिट पोल की शुरुआत 1967 में हुई। एक डच समाजशास्त्री और पूर्व राजनीतिज्ञ मार्शल वॉन डेन ने देश में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल करवाया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इसी साल अमेरिका में ऐसा पहली बार एक राज्य के चुनाव के दौरान भी किया गया था। वैसे एग्जिट पोल्स जैसे अनुमान की शुरुआत 1940 में ही होना बताया जाता है। अब बात एग्जिट पोल के गलत साबित होने की। 2004 के लोकसभा चुनाव में सारी एजेंसियों के आकलन पर पानी फिर गया था। सारी एजेंसियों ने औसतन 255 सीटें एनडीए को दी थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इंडिया शाइनिंग वाला माहौल था। लेकिन काउंटिंग के दिन एनडीए 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। एनडीए 189 सीटों तक सिमट कर रह गई थी, जबकि चुनाव में बीजेपी को महज 138 सीटें ही मिली थी। वहीं एग्जिट पोल में यूपीए के 183 सीटों का अनुमान दिखाया गया था, लेकिन यूपीए ने जीती थी 222 सीटें, जिसके बाद कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जाना पड़ा था। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इस चुनाव में भी एजेंसियों ने यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें दी थी, लेकिन जब आंकड़े आए तो यूपीए को 262 सीटें मिली और एनडीए को केवल 159 सीटें ही हासिल हुई थी। ऐसे ही 2018 में हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल बुरी तरह फेल हुए थे। यहां बीजेपी को औसतन 40 सीटें और कांग्रेस को 46 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया था। बीजेपी को महज 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस 68 सीटों पर जीत हासिल करके बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसा ही 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव में भी हुआ था। तब भी सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे। सबने समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की थी, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी ने सारे एग्जिट पोल के आंकड़ों को ध्वस्त करते हुए अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। बिहार के 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत साबित हुआ था। कई एग्जिट पोल ने एनडीए को बहुमत, जबकि कई ने महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर बताई थी, लेकिन चुनावी नतीजे जब आए तो महागठबंधन ने एग्जिट पोल्स को धराशाही कर दिया था। इसके अलावा भी कई मौके आए जब एग्जिट पोल ने सियासी पार्टियों के गणित को गलत साबित किया है। इसलिए इस बार अगर बीजेपी आश्वस्त दिख रही है कि वो केजरीवाल को हटाकर सत्ता में वापसी करेगी, तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए।
हालांकि इंतजार 11 तारीख का करना होगा कि बीजेपी का दावा सच साबित होता है या फिर एग्जिट पोल के ये आंकड़े। लेकिन अब सवाल जनता से, उस जनता से जो वोट डालती है, जो ईवीएम का बटन दबाती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार फिर गलत साबित होंगे और क्या बीजेपी का दावा सच साबित होगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।